इस वीडियो में आज हम जानेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी टॉपिक को हम एग्जांपल के थ्रू विद एनिमेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है FeO, जिसमें कि कैटायन Fe है और एनायन O है, बट डिफेक्ट के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है Fe 0.95 O। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के जो रेशियो हैं वो चेंज हो गए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं उनमें डिफेक्ट के बाद जितने भी क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके फार्मूले में चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस हुआ है। तो अगर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रांसिएशन मेटल, एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, इन सभी एलिमेंट में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो ये डिफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अकार्बनिक ठोस जिनमें क्रिस्टल संरचना के दोष के कारण जो अव्ययी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें जो अव्ययी कण है वो बदल जाते हैं और इनके जो फार्मूला होता है उनमें भी बदलाव आ जाता है, और ऐसे दोष को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। बात करते हैं यदि इनके प्रकार की, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु अधिक दोष, दूसरा है धातु निम्नता दोष। तो आइए देखते हैं ये दोनों दोष किस प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला धातु अधिक दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एक्सेस, और दूसरा है धातु निम्नता दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं सोडियम मेटल है और मेटल हमें देता है कैटायन अर्थात पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम से हमें मिलेगा Na पॉजिटिव। तो जब कैटायन की जो अमाउंट होती है वो मेटल में अधिक होती है तो बनता है मेटल एक्सेस। परंतु यदि जब मेटल में एनायन की मात्रा अधिक हो जाती है और कैटायन की मात्रा कम हो जाती है तो होता है मेटल डेफिशिएंट, अर्थात मेटल डेफिशिएंट में एनायन की मात्रा अधिक होगी, कैटायन की मात्रा कम होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में कैटायन और एनायन का बैलेंस बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ऐसे आयनिक ठोस धातु अथवा अधातु के मिलने से बनता है जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातुओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो ठोस के अव्ययी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है तथा इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु अधिक दोष कहते हैं। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातुओं की संख्या बढ़ जाती है अर्थात कैटायन की संख्या बढ़ जाती है, तो इस प्रकार जो ठोस में अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे ही बोलते हैं धातु अधिक दोष। धातु अधिक दोष दो कारण से होता है। पहला है ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा है अतिरिक्त धन आयनों की अंतरकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। तो इन दो कारणों से धातु अधिकता दोष होता है। तो आइए देखते हैं इनको हम एनिमेशन के थ्रू और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया धातुओं में जो अधिकता होती है वो एनायन के रिक्तिका के कारण होती है या फिर एक्स्ट्रा कैटायन के बढ़ने के कारण होती है। तो आइए सबसे पहले हम एनायन रिक्तिका के कारण देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा आयनिक ठोस है जिसमें कि एनायन और कैटायन है, ए पॉजिटिव कैटायन है और ए निगेटिव एनायन है। अब यदि इसमें से जो हमारा बी निगेटिव है अर्थात एनायन, अगर हम इसको हटा दें, तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा एनायन वैकेंसी अर्थात एनायन रिक्तिका। चूंकि यहाँ से हम लोगों ने बी निगेटिव हटा दिया है अर्थात एनायन हटा दिया है और उसकी जगह डाल दिया है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोगों ने एनायन को हटाया तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि कैटायन जो होंगे वो एनायन से अधिक हो जाएंगे, अर्थात जो ए पॉजिटिव है उनकी संख्या बी निगेटिव से अधिक होगी। तो ये हुआ हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो कि एनायन वैकेंसी के कारण उत्पन्न होती है। आइए इसे हम उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा NaCl क्रिस्टल, इसमें Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। तो Na पॉजिटिव कैटायन है और Cl निगेटिव हमारा एनायन है। तो Na पॉजिटिव से और Cl निगेटिव से हमारा ये क्रिस्टली ठोस अर्थात NaCl बना हुआ है। अब इसमें से हम क्या करें कि क्लोरीन जो है एनायन उसको निकाल दें। तो अगर हम क्लोरीन को यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर एनायन हट जाने के कारण यहाँ पर एक रिक्त स्थान हो जाएगा।
जिसे हम बोलेंगे एनायन वैकेंसी। अब यहाँ पर क्लोरीन का जो आयन है वो कैसे निकलेगा, जब हम सोडियम वेपर में NaCl को रखते हैं तो सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को लेकर निकल जाता है। तो अब सोडियम क्लोरीन को कैसे लेकर निकलता है ये समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब लॉस करता है तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव क्लोरीन को लेकर चला जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम से वो क्या करेगा, उस क्लोरीन एन आयन वाले की जगह ले लेगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएगा, जहाँ पर क्लोरीन एन आयन था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या होता है हम आगे बताएंगे, और एफ सेंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है व्हाइट कलर को एब्जॉर्ब करके येलो कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम NaCl को सोडियम वेपर में डालते हैं तो येलो कलर मिलता है। तो जैसे यहाँ पर एनायन वैकेंसी हुआ है, उसी तरह इन एग्जाम्पल में भी एनायन वैकेंसी होगा। तो यदि हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम पेपर में डालते हैं तो यहाँ पर पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सेम कंडीशन पीछे की तरह यहाँ पर भी फॉलो करेगा। अगर वही बात करें हम KCl में, तो KCl को अगर हम पोटेशियम के पेपर में रखते हैं तो यहाँ पर सेम रीजन फॉलो करते हुए वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। अब ये वाले साइड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। अब एफ सेंटर का मतलब होता है फॉब सेंटर, जो कि कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कलर उत्पन्न हो रहे थे ये एफ सेंटर के ही कारण होते हैं। अब बढ़ते हैं मेटल एक्सिस के दूसरे टाइप की ओर, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, अर्थात अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त कैटायन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा एक आयनिक ठोस है जिसमें एक ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है। अब इसके इंटरस्टिशियल साइट में अगर कोई कैटायन बढ़ जाता है और फिर इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तो जब ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। आइए इसे अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में हम जानते हैं जिंक कैटायन है और ऑक्सीजन एनायन है। जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब जब हम जिंक ऑक्साइड को स्प्लिट करते हैं, अर्थात गर्म या हीट के द्वारा इसको जब तोड़ते हैं, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड ब्रेक करेगा और इसमें जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है, इसलिए ये क्या करेगा कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन के निकलने के बाद हमारे पास बच जाता है जिंक आयन और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक है वो आ जाएगा हमारे क्रिस्टल के इस साइड पे आ जाएगा, जो वैकेंट स्पेस है इंटरस्टिशियल साइट वहां पर आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्थानों पर फिलअप हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस साइड पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे साइड पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जिंक है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नाउ यू कैन सी दैट, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अर्थात यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का स्टेज होता है। तो यदि हम बात करें जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड डिफेक्ट के पहले था इंसुलेटर अर्थात अचालक था, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद ये बदल गया सेमी कंडक्टर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट देख लिया, जो कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक प्रकार था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक आयनिक ठोस है जिसमें ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है। अब यदि हम इसमें एक्स्ट्रा कैटायन ऐड करते हैं ए डबल पॉजिटिव, तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये क्रिस्टल अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ आयन को निकालने होंगे। तो जैसे कि अगर हम लोगों ने ए डबल पॉजिटिव लिया है तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इसको क्रिस्टल के अंदर डालते हैं तो हमें 2 पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है जब हम उसमें 2 पॉजिटिव डाल रहे हैं तो उसका स्पेस लेने के लिए हमें 2 पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। चूंकि वहां पर ए पॉजिटिव है तो हमें ए पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल को वहां से रिप्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम ए 2 पॉजिटिव के 1 मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं।
अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और निकेल ऑक्साइड। तो ये था हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, तो ये पिछले मेटल डिफेक्ट की भांति ही होता है, बस इसमें क्या चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कैटायन और एनायन से बने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटायन मिसिंग है, बट यहाँ पर एक हायर चार्ज का दूसरा कैटायन इस सॉलिड में इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो कैटायन इंक्लूड किया गया है वो डिफरेंट स्पीसीज का है, मतलब कि क्रिस्टल में उस तरह के कैटायन नहीं है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे ये हमारे सामने है NaCl का क्रिस्टल, और इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। तो इस स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड से हमें मिलेगा स्ट्रॉन्शियम आयन। तो बिल्कुल पिछले वाली की भांति अगर हम देखें, तो अगर हम इसमें दो पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं क्रिस्टल में, तो वहां पर दो पॉजिटिव चार्ज निकलने भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो स्ट्रॉन्शियम आयन है वो दो Na चार्ज को हटा देगा और उसमें जाकर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो खाली स्पेस है उसमें स्ट्रॉन्शियम के आयन ऐड होगा। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रिप्लेस हुए हैं उसकी जगह जो दूसरा मॉलिक्यूल गया है वो डिफरेंट स्पीसीज का है, अर्थात एक फॉरेन स्पीसीज का है। तो ये जो फॉरेन एटम है, या हम कह सकते हैं जो डिफरेंट एटम है, इसे हम इम्प्योरिटी कह सकते हैं। इसलिए इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आइए एक और उदाहरण से देखते हैं। तो यहाँ पर AgCl का हमारा क्रिस्टल है, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है वो कैडमियम के क्लोराइड की है। तो यहाँ पर Ag रिप्लेस होगा और उसकी जगह जो कैडमियम का आयन है वो ऐड हो जाएगा। यदि हम बात करें इम्प्योरिटी डिफेक्ट के प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में और कोवेलेंट सॉलिड में। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे एग्जांपल देखा वो था आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड में होने वाले इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन का नेटवर्क देख सकते हैं, और सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है, और ये अपने आसपास के जितने भी सिलिकॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और उनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब ये जो सिलिकॉन है इसे हम फॉरेन एटम के थ्रू हटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सिलिकॉन है जब फॉरेन एटम के थ्रू हटेगा, तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हमको पता है कि जो सिलिकॉन होता है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पाए जाते हैं, जिनके की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो सिलिकॉन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और इससे जुड़े हुए जो अदर सिलिकॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो जो सेंटर में सिलिकॉन है वो अपने चारों तरफ जो 4 सिलिकॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है, और यही कोवेलेंट बॉन्डिंग बार बार रिपीट होने के कारण यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिस्टली जालक है। अब यदि हम इसमें ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल दें, या फिर इसमें ग्रुप 15 का एलिमेंट डाल दें, तो इनमें क्या होगी, इम्प्योरिटी डेवलप हो जाएगी, और इस प्रकार से इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये देखते हैं कि ग्रुप 13 और 15 के कौन से एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 13 की बात करें तो इसमें बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम, ये है हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। वही बात करें हम ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में आएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब यदि हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को लेकर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स अर्थात सिलिकॉन में डालते हैं, तो यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ग्रुप 14 अर्थात सिलिकॉन के साथ इंक्लूड करके देखते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे एल्युमिनियम को। तो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा एल्युमिनियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट होंगे उन सभी में 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पाए जाएंगे। तो अब हम सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम को डालने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ पर अब सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम आ गया, इस तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनिशियली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस स्थान को हम बोलेंगे होल। तो इसमें होल होने के कारण जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ कंडक्ट होना शुरू कर देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएंगे ताकि उसको फिल कर सकें। तो होल को भरने के लिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट होगा और इस तरह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। सो जब हम सिलिकॉन के नेटवर्क में एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं तो जो सिलिकॉन का नेटवर्क है वो कंडक्टिव हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालक में। तो चूंकि यहाँ पर होल उत्पन्न हुआ है इसलिए इसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो जो हमारे रेडियो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें पी टाइप के सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं। अब हम ग्रुप 15 को देखते हैं और ग्रुप 15 में हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, जिनके की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, उनमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर हम आर्सेनिक का यूज़ करेंगे और आर्सेनिक को सिलिकॉन की जगह डालेंगे। तो यहाँ पर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जबकि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पर सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ जाता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यूजुअली तो ये ऐसा होना चाहिए था बट आर्सेनिक डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के आ जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होने लगती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगते हैं और इनके मूवमेंट से ही इनके अंदर विद्युत का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है और ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह हो रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। तो ये था हमारा लास्ट सॉलिड डिफेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने डिफेक्ट इन सॉलिड में सबसे पहले देखा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये इसके टाइप थे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोगों ने स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को देखा। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट।